आज मैं डाइट प्लान शरबत के भले के लिए रिलीज करने जा रहा हूं। इससे पहले मैं ये कह दूं कि मेरे लिए डॉक्टर भगवान का रूप है और प्राथमिकता हमेशा डॉक्टर की रही है। मेरे तो घर में डॉक्टर है भाई, वो तो सुनती ही नहीं है बगैर डॉक्टर के। तो हमने जो कुछ भी किया है वो डॉक्टरों की सलाह के साथ एक सहयोगी प्रक्रिया में किया है। और मैं ये कह दूं कि इस डाइट को बनाने में मेरा कोई योगदान नहीं है। मैं तो पढ़ाई करके जो बड़े बड़े एमिनेंट डॉक्टर्स थे उनकी जो ऑब्जर्वेशंस थी उसी को संग्रहित कर चुका हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि ये मेडिवियल एंशियंट आयुर्वेदा साइंस, उसके साथ योशिनोरी जो जापान के बहुत बड़े डॉक्टर हैं जिनको ऑटोफेजी पे नोबेल प्राइज मिला है, वो फास्टिंग के बाद उन्होंने की है कि किस तरह से फास्टिंग हेल्प करती है। और दुनिया के बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं ये उनकी ऑब्जर्वेशंस को इकट्ठा करके नूनी के लिए एक डाइट चार्ट बनाई थी और ये भी डॉक्टर्स की सलाह के साथ ही उसे इम्प्लीमेंट किया। तो मैं ये कहूँगा कि पुरानी कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन। तो भैया इस डाइट चार्ट को फैसिलिटेशन माने ट्रीटमेंट की सबसे बड़ी बात। मेरी माँ कहा करती थी, वासुदेवम कुटुंबकम। हम ये चाहते हैं कि जो खुशी हमें मिली है, जो फायदा लाभ हमें मिला है, वो हम सबके साथ शेयर करें। दो ही चीजें हैं जो बांटने से बढ़ती हैं, बाकी सब कुछ घटता है, एक ज्ञान और एक प्यार। तो दोनों ही बांटना चाहता हूं। द होल वर्ल्ड इज माई कंट्री, ऑल मैनकाइंड माई ब्रदर, एंड टू डू गुड माई रिलीजन। बाबा नानक का सिख हमेशा शरबत का भला चाहेगा और उस विश्व के भले में, उस विश्व के कल्याण में अपना कल्याण चाहेगा। इतना ही कहना था। कुछ ही अरसे में ये डाइट प्लान इंडिपेंडेंटली रिलीज करेंगे ऑन एवरी प्लेटफॉर्म। नोनी कुछ कहना चाहती है? एज अ डॉक्टर मुझे भी लगता था कि ट्रीटमेंट जो होती है ट्रीटमेंट वो ही काम करती है और उसके अलावा ये आयुर्वेदा वगैरह बाद में सोचेंगे, बाद में देखेंगे। क्योंकि मुझे लगता था मैं बीमार हूँ, ऊपर से आप मुझे कौड़ी कौड़ी चीज़ें दे रहे हो और खाने नहीं दे रहे प्रॉपरली। तो पर जब मैंने खाना शुरू किया, शुरू में मुश्किल लगा, एक हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद मुझे वो अच्छा लगने लग गया क्योंकि मेरा वेट लॉस होना शुरू कर गया। कहाँ स्वेलिंग थी वो कम होनी शुरू हो गई, मुझे अच्छा फील होने लगा। सो बाय द टाइम अब मैं पहुंची हूँ तो मैं 30 किलो रिड्यूस कर चुकी हूँ। तो कहीं ना कहीं उसने बहुत मेरी मदद की है आयुर्वेदिक डाइट ने। और ज़रूरी ये भी है कि वो जो रिपोर्ट्स हैं उन्होंने वही कुछ दिखाया जो हमने माना कि ये जो हेल्थ आयुर्वेदा की हर्ब्स और ये हेल्थ रिजीम हमने बनाई है वो हमारी मदद कर रही है, उसको हमको बाद में भी फॉलो करना है। ये नहीं कि तुम एक बार ठीक हो गया, पेट स्कैन ठीक हो गया तो मैं छोड़ दूँ। तो दोबारा से वो कैंसर सेल्स बॉडी में ही होते हैं, वो दोबारा से पनप जाएंगे। तो एक लाइफस्टाइल चेंज है जो हर एक इंसान के लिए है। योगा मैं रोज करती हूँ तो ये किसी ना किसी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जरूर करें। और हाथ जोड़ के विनती है अपने ही लोगों से कि एडल्ट्रेशन, फूड एडल्ट्रेशन को बंद करें ताकि अपने ही भाई बहनों को हम मौत के मुंह में ना डालें। चलिए सुनते हैं कि हमारे गार्डियन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रुपिंदर क्या कह रहे हैं।